तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो F21 Pro के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो अपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सिंपल सिंपल जस्ट स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं, और वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, आपको देखने और फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज़ गाइज, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गाइज, आपको इंटरनेट सेटिंग्स, मतलब काफ़ी इजी है, एक क्लिक करना हो जाएगा। सेटिंग में आपको चले जाना है, तो यहाँ से हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद गाइज, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का, इस पर आपको टैप कर लेना है। इस पर टैप करने के बाद गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको सो बैटरी परसेंटेज, जो कि गाइज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ये जो फीचर मैंने डिसेबल किया, आपकी इंटरनेट की स्पीड गायब हो गई। इसको इनेबल करता हूँ, आपकी इंटरनेट की स्पीड शो हो जाती है। तो इसको गाइज आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं सिंगल सिंगल टैप पे। तो गाइज, आई होप कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फोन के अंदर ऑटोमेटिकली कॉल को रिसीव कर सकते हैं, एक जेस्चर्स के साथ, एक फीचर्स के साथ। तो उसको कैसे एक्टिवेट करना रहता है और उसकी सेटिंग्स अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो गाइज बिल्कुल भी ना ही भूलें। सबसे पहली चीज़ गाइज, आपको अपनी फोन की डायलर में जाना है। यहाँ पे आप डायलर में जाएंगे तो गाइज, यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉलिंग अकाउंट्स का, तो इस पर आपको टैप कर लेना है। इस पर आप टैप करेंगे, इस पर टैप करने के बाद गाइज, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑटो आंसर का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटो आंसर आपका ये ऑफ होगा। आप जैसे इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको डिले ऑटो आंसर 5 सेकंड, इस पर आप टैप करेंगे तो इसको 10 सेकंड और 3 सेकंड आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो गाइज़, एक्चुअली ये ऐसे काम करेगा गाइज, आपका फ़ोन किसी भी ब्लूटूथ या फिर किसी भी ईयरफोन से कनेक्ट है तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा 5 सेकंड बाद। तो गाइज़, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो गाइज़, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे गाइज फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हमारी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर से कर ही सकते हैं। तो गाइज, कुछ फीचर्स रहने वाले हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो गाइज, आई होप कि आपको पसंद आने चाहिए। तो गाइज, बहुत सारे ऑप्शन आपके फोन के अंदर देखने को मिलते हैं, बट गाइज सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ जो आपकी कॉलिंग का जो एक्सपीरियंस, यानी जो स्मार्ट कॉल सेटिंग है, वो आप अपने फोन के अंदर काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज, आपको यहाँ पर डायलर में जाना है। तो गाइज, यहाँ पर हमारा डायलर है, क्योंकि गूगल डायलर आ चुका है, तो गाइज सारे फीचर्स अब आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आप आएंगे तो गाइस, यहाँ पे आपकी सबसे पहली चीज़ एसेसिबिलिटी की सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। तो गाइस, यहाँ पे अभी आपका कोई भी कंटेंट नहीं है एसेसिबिलिटी फंक्शन वाला, ठीक है। तो ये अभी आपके लिए काम का, अभी आपके लिए काम में नहीं आएगा। इसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लॉक नंबर्स पे क्लिक करना है आपको। अगर आप ब्लॉक करना चाहें किसी भी अननोन कॉल्स को, तो यहाँ पे उसको ब्लॉक कर सकते हैं, अननोन नंबर को, ठीक है। और कोई नंबर याद है आपको तो गाइस, उसका नंबर यहाँ से आप डाल के याद है, अगर आप टाइप करेंगे सिंपल तरीके से ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं। अनब्लॉक करना है तो यहाँ से क्लिक करके अनब्लॉक भी कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉलिंग अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लैश ऑन कॉल, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो आपके फोन के अंदर फ्लैश लाइट जलेगी जब आपके फोन के अंदर कोई भी कॉल आएगी, लेकिन स्क्रीन आपकी लॉक होनी चाहिए। जैसे स्क्रीन ऐसे ऑन हो रही है और अभी कॉल आएगी तो फ्लैश लाइट नहीं जलेगी, लेकिन जब स्क्रीन ऑफ होगी तब फ्लैश लाइट जलेगी, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऑटो आंसर का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे ऑटो आंसर हमारा इनेबल है। गाइज, अगर आपका फोन किसी भी ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो 5 सेकंड बाद आपकी कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। आप इसको चेंज कर सकते हैं 10 सेकंड और 3 सेकंड भी कर सकते हैं, उसका आप टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर्ड एंड एंडेड, जब आपकी कॉल कट होगी तो आप उसको वाइब्रेशन के लिए रख सकते हैं, मतलब कि आपको पता लगे कि हाँ कॉल कट हो गई क्योंकि आपका फोन वाइब्रेट करेगा। यूज पावर बटन टू एंड कॉल व्हेन स्क्रीन इज ऑन, आपकी स्क्रीन ऑन है और आप किसी से बात कर रहे हैं और पावर बटन दबा देते हैं आपका, तो कॉल कट हो जाएगा अगर आप इस वाले फीचर को इनेबल करते हैं तो। इसके बाद यहाँ से आपको कैरियर कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो गाइस यहाँ से कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं आप, और गाइस जो आपकी एडिशनल सेटिंग में कॉल वेटिंग वाला फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस ये सारी सेटिंग्स आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स देख सकते हैं, ऑलवेज रिकॉर्ड कर सकते हैं गाइस, तो आपको ये इनेबल करना पड़ेगा। नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, तो आप गाइस ऑलवेज कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा जो कि है क्विक रिस्पॉन्सेस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस ये मैसेज आप देख रहे हैं, ये गाइस मैसेज आप सेंड कर सकते हैं सामने वाले बंदे को जब आप उसका कॉल आंसर नहीं करना चाहते, उसका कॉल आप कट कर रहे हैं उस टाइम पे, ओके। तो गाइज आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर से कर लें। इसके बाद गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है आपको, फ्लिप टू साइलेंस, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे, तो गाइज इसका मतलब ये आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आती है
तो आपको सिंपल तरीके से अपना फोन का फेस डाउन कर देना, मतलब फोन उल्टा कर दो, टेबल पर रखा है सीधा उल्टा कर दो, फोन म्यूट हो जाएगा। एक जेस्चर है, बट आई होप कि आप इसको अप्लाई करना चाहें या ना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलाऊंगा आपको जो आपका गूगल का जो डायलर रहता है उसी के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग करा के दिखाऊंगा, वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है फोन, फोन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फोन बाई गूगल, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे गाइस अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको ये अपडेट कर लेना है। जैसे ही गाइस आपका ये फोन यहाँ से अपडेट होगा आपके फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो आ जाएगा, ठीक है, ये बात तो यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाती है। अगर गाइस आपके फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आया, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके गाइस, अगर आपके फोन के अंदर यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करके कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अगर आपके फोन के अंदर नहीं आता, जैसे कि भी मेरे फोन के अंदर भी नहीं आया, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना फोन एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो चलिए गाइस अभी के लिए यहाँ पे हम आपको अगला प्रोसेस बताते हैं, जब तक कि गाइस जो आपका अनाउंसमेंट है आप उसको कैसे बंद करेंगे। तो गाइस मैं आपको दो चीज़ सिखा रहा हूँ, अनाउंसमेंट और कॉल रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करना। तो अनाउंसमेंट के लिए गाइस आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च करना है TTSLEXX, इस पर आप क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे आप, तो गाइस यहाँ से आपका इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, आपको वेट कर लेना, इंस्टॉल भी हो गया। अब आप देखेंगे गाइस अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग के अंदर और यहाँ पे गाइस आप एक सर्च करना है, यहाँ पे आके आपको सर्च कर लेना है, ये बोलता है TEXT टेक्स्ट टू स्पीच, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको देखेंगे प्रेफर्ड इंजन पे आपको क्लिक करना है। गाइस ये आपका क्लिक होकर रखा होगा पहले ऊपर वाले ऑप्शन, यानी कि सर्च स्पीच सर्विस बाई गूगल, इसको आपको TTSLEXX पे कर लेना है, ठीक है, सिंपल हो गया, बस इतना कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपका आपको जो डायलर है गाइस इसको प्रेस एंड होल्ड रखना है और इसकी ऐप इन्फो के अंदर चले जाना है आपको और यहाँ पे गाइस स्टोरेज पे क्लिक करना है आपको और क्लियर डाटा पे ओके कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपके सामने आपको कॉल डायल करनी है सिंपल तरीके से, बस यहाँ पे हम आ चुके हैं और आई थिंक कि देखते हैं हमारा कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अभी आया नहीं आया, तो गाइस यहाँ पे देखो आपका कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आ चुका है, ठीक है, आपके सामने लाइव वीडियो कर रहा हूँ मैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि यहाँ से आप कैसे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अभी आपको हम क्लियर करा देते हैं कि आपका अनाउंसमेंट ऑफ हो चुका है। यहाँ पे हम नंबर जाते हैं सिंपल तरीके से और डायल कर देते हैं कॉल, ठीक है, सिंपल तरीके से हमने डायल कर दी, ओके। अब आप देखेंगे तो गाइस यहाँ पे पहले मैं सिंपल तरीके से स्पीकर पे आपका फोन कर देता हूँ और यहाँ पे रिकॉर्ड पे हम क्लिक करते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। क्या आपको गाइस साउंड आया, आप यस या नो बता सकते हैं मुझे, आपके सामने लाइव कर रहा हूँ मैं और गाइस अभी आपके सामने मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाने भी वाला हूँ कि कैसे करते हैं। वापस से मैं बंद करता हूँ। क्या गाइस आपको कॉल रिकॉर्डिंग का साउंड आया, आप मुझे एक बार फिर से बता सकते हैं, नहीं आया ना तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, तो मैं इसको भी फिलहाल बंद कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ से आपने देखा मैं आपके सामने कॉल रिकॉर्ड की गाइस, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे इसको आप सुन भी सकते हैं, इस पर क्लिक करके मैं आपको सुना देता हूँ। दोनों तरफ की ऑडियो आप ध्यान सुने, ओके। तो गाइस आपने देखा कि कैसे अपने फोन के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना किसी अनाउंसमेंट के। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में आप जाएंगे यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे एक नंबर आपको देखने मिलेगा, नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इसको ऑलवेज रिकॉर्ड कर लेना है। अब गाइस जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है वो हमेशा रिकॉर्ड होंगे ऑटोमेटिक। अब गाइस बात कर रहे हैं जो हमारे फोन के अंदर नंबर सेव है उनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सिलेक्ट नंबर्स पे क्लिक करें, इसको यहाँ से अलाउ करें, ऑलवेज रिकॉर्ड करें, चूज ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, तो गाइस यहाँ से आपको जो जो नंबर रिकॉर्ड करने हैं गाइस वो यहाँ से आपको सेव करने पड़ेंगे, ओके, आप उनको यहाँ से सेव कर सकते हैं, तो मतलब चूज कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो गाइस कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए कमेंट्स को बॉक्स ओपन है, प्लीज़ गाइस कमेंट करना है, बाकी गाइस आपको मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। गाइस आपके गाइस यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं सिंपल तरीके से। तो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि है यहाँ पे गाइस मोर साउंड्स एंड हैप्टिक्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, डायल पे टोन, लॉक स्क्रीन साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड, ग्लिटेशन साउंड और गाइस टच स्क्रीन साउंड्स, वाइब्रेट ऑन टच, इसको आप यहाँ से अपने हिसाब से इनेबल और डिसेबल सारा कर सकते हैं। जैसे कि गाइस अगर आपको स्क्रीन शॉट क्लिक करते हैं जो साउंड आ रहा है वो नहीं चाहिए, तो गाइस यहाँ पे आप इसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं, काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। तो गाइस ये सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। आई होप कि गाइस आप समझ गए होंगे कि कैसे करनी है। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, तो गाइस मैं उसका रिप्लाई आपसे जरूर से कर दूंगा। तो हम सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में पाएंगे तो गाइस पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि है
कन्वीनियंस टूल्स का, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन शॉट का, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको जेस्चर एंड मोशन का। तो आप जेस्चर एंड मोशन पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्वाइप डाउन विद थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट, और एक ऑप्शन है टच एंड होल्ड विद थ्री फिंगर्स टू टेक स्क्रीन शॉट। अगर आप कहीं टच एंड होल्ड रखते हैं थ्री फिंगर के साथ तो गाइस उतने एरिया को आपको कैप्चर करने का मौका मिलता है। जैसे कि गाइस ये वाला एरिया मेरे को कैप्चर करना है तो इसको मैं कैप्चर कर सकता हूँ, और गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इस टाइप से गाइस आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना एरिया आपको चाहिए। ओके, तो एक तरीका तो हो गया जी, थ्री फिंगर स्वाइप डाउन। गाइस ऐसे करोगे आप स्वाइप डाउन तो आपका स्क्रीन शॉट टेक हो जाता है, और इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी कुछ सेटिंग्स रहती हैं। स्क्रीन शॉट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी गाइस आपकी स्क्रीन शॉट की सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि स्वाइप डाउन थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट, यहाँ भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। और बाकी गाइस यहाँ पे कुछ सेटिंग्स, यहाँ पे भी आपको पावर एंड वॉल्यूम डाउन बटन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट साउंड इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से, डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल तरीके से, आपको पहले तो पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन वाली सेटिंग्स आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए ओके, इस तरीके से आप टेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस जेस्चर के साथ लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे टेक करते हैं। तो आपको स्वाइप डाउन करना है थ्री फिंगर से, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रॉल का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और गाइस यहाँ पे आपका स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको जितना चाहिए वहाँ पे जाके आप डन कर दें और आपका ये क्रिएट हो जाता है। इसको आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप सेव कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट की सेटिंग समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, से पिन चेंज करना है, दो फिंगर रखनी है, एक पास ले आनी है। वॉलपेपर का एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, इस पर आपको टैप कर लेना है। यहाँ पे गाइस आपके स्टैटिक वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर और मोर का ऑप्शन मिलता है आपको, तो यहाँ पे हम गाइस स्टैटिक वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपके सारे वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो भी अभी आपके फोन के अंदर अवेलेबल होंगे, तो इनमें से गाइस कोई भी वॉलपेपर आप सिंगल टैप करेंगे ऐसे करके और वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लाइव वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, तो गाइस इसमें से आप कोई भी लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं सिंगल टैप पे। इसके बाद गाइस यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, तो हमने मोर पे क्लिक किया, मोर पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं थीम स्टोर अपना, बहुत सारे वॉलपेपर आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे गाइस सिंपल तरीके से आप देखेंगे तो आपको बोल रहा है लोकल एल्बम्स, मतलब कोई अगर आपको फोटो लगाना है अपनी फाइल मैनेजर में से तो उसको आप लगा सकते हैं यहाँ से जाके, ठीक है। ओके गाइस यहाँ पे आप जाएंगे लोकल फाइल्स में तो यहाँ पे आपकी फाइल मैनेजर पहुंच जाती है, यहाँ से आप कोई भी अपना फोटोज लगा सकते हैं वॉलपेपर पे। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस यहाँ पे आपको फिर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में चले जाना है, और गाइस यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे हम सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारे फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे एक तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक तो बाय डिफॉल्ट आता है और एक रियल चॉइस है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फोन के अंदर इंटरनेट कनेक्टेड हो तो गाइस यहाँ पे अगर आपके फोन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितने सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से गाइस आप कोई भी फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से चूज कर लें। कुछ गाइस यहाँ पे आपको रुपए में देखने को मिलते हैं और कुछ गाइस यहाँ पे आपको फ्री में भी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फ्री फॉन्ट वगैरह। बाकी गाइस सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, तो दूसरा फॉन्ट यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करूंगा अप्लाई करूंगा हो जाएगा, बट मेरे को करना नहीं है गाइस अभी, बट आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो स्क्रीन ऑफ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऑटो स्क्रीन ऑफ पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हमारा 15 सेकंड होकर रखा है, 15 सेकंड बाद ये डिस्प्ले हमारी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो इसको गाइस यहाँ पे आप 30 सेकंड कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं इजीली तरीके से, और गाइस अप टू इसको 30 मिनट तक कर सकते हैं। मतलब 30 मिनट तक अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो 30 मिनट तक ये डिस्प्ले ऑफ नहीं होगी जब तक मैं पावर बटन नहीं दबा दूंगा, मतलब अपने आप से ऑफ नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो इसको बोलते हैं ऑटो स्क्रीन ऑफ सेटिंग। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, गाइस अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। कुछ लोग पढ़ाई करते हैं तो उनको बहुत देर ऑन रखनी पड़ती है डिस्प्ले, कुछ नोट कर रहे होते हैं फोन में से, तो ये सेटिंग्स बेसिकली स्टूडेंट के लिए ज्यादा है। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, 1 मिनट के अंदर मैं अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल तरीके से गाइस आपके फोन के अंदर एक सेटिंग है। एक्चुअली सेटिंग क्या है गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरी बैटरी परसेंटेज आपको देखने को मिल रही है, आपके फोन के अंदर बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रही होगी, मुझे पक्का पता है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस फटाक से मैं 1 मिनट से भी कम वक्त में आपकी प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ। आपको सेटिंग में जाना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन मिलेगा आपको देखने को मिलता है आपको शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, इस पर आपको टैप कर लेना है। जैसे गाइस आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनसाइड बैटरी आइकॉन, जो कि बैटरी के अंदर आपको परसेंटेज शो हो रही है, आउटसाइड द बैटरी आइकॉन, तो गाइस आउटसाइड पर क्लिक करेंगे तो आपको बैटरी परसेंटेज आपकी बाहर निकल के आ जाती है। ओके, इस टाइप से गाइस आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वापस से तो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्प्ले, आप चाहें तो उसको डू नॉट डिस्प्ले भी कर सकते हैं, मतलब ये शो ही ना हो, ठीक है।
तो गाइज़ पहले आपकी ऐसे होकर रखी होगी, आप अपने हिसाब से इसको गाइज़ आप आउटसाइड या फिर इनसाइड द बैटरी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। तो मेरे हिसाब से इनसाइड ठीक लगती है, थोड़ा स्मॉल भी रहता है बट आपको पता चल जाता है कितनी बैटरी है। तो गाइज़ आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज़ हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप जाएंगे तो गाइस यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट एक ऑप्शन मिलेगा आपको कन्वीनियंस टूल्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलता है नेविगेशन का, तो नेविगेशन पे आपको टैप करना है। नेविगेशन सेटिंग रहने वाली है गाइस, तो आपकी जो पहले सेटिंग होकर रखी होगी उस पर रखी होगी वर्चुअल बटन पे, ऐसे करके आपको बटन देखने को मिलते होंगे बैक होम और रिसेंट टास्क वाला, ठीक है गाइस। सिंपल तरीके से इसको हाइड करने के लिए तो गाइस आपको यहाँ पे स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बूथ साइड्स इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ से आपके बटन ही हाइड हो जाते हैं, आप सिंपल तरीके से ऐसे बैक सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको प्राइवेसी का, आपको इस पर क्लिक करना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेट सेफ का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ से हमारा पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर सेट करके रखा है। आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा, ओके। आपको इसके अंदर लॉगिन हो जाना है, जैसे आप इसके अंदर लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइवेट सेफ खोल किया जाती है। यहाँ पे आपकी इमेज एंड वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट अदर फाइल, ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो गाइस अगर आपको ऑडियो हाइड करनी है तो ऑडियो में जाना है, डॉक्यूमेंट हाइड करनी है तो डॉक्यूमेंट में जाना है, और इमेज एंड वीडियो हाइड करनी है तो इमेज एंड वीडियो पर चले जाना है। जैसे आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नो पिक्चर्स आ रहा है, बट नीचे की तरफ एक प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके सामने गाइस आपके फोन के अंदर जो भी फोटो वीडियोज हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ईजी तरीके से। तो गाइस यहाँ पे मैं कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे करके, तो गाइस ये तीन स्क्रीनशॉट आई थिंक, ठीक है। तो मैं पाँच स्क्रीनशॉट सेलेक्ट किए मैंने और इसको राइट क्लिक करूंगा तो गाइस यहाँ पे ये ऐड हो जाते हैं। तो गाइस ये जो इमेज एंड वीडियो जो हैं ऐड हो जाते हैं, अभी आपकी गैलरी के अंदर ऐड नहीं, गैलरी के अंदर शो नहीं होते। तो इस टाइप से गाइस अपने फोन के अंदर आप फोटोज और वीडियोस को हाइड कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर इनको अगर वापस से आप अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस एंड होल्ड रखें, सेलेक्ट कर लें, यानी तीन फोटो मेरे को वापस से पब्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे की तरफ सेट एज पब्लिक, इस पर आपको टैप कर लेना है। तो गाइस ये आपकी वापस से नॉर्मल तरीके से इसमें एक ऑप्शन चूज कर लें आप, किसमें आपको ये शो कराने हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं एक ऑप्शन चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे गाइस मैं इनको मूव करा देता हूँ। तो इस टाइप से गाइस इनको आप सक्सेसफुल हाइड कर सकते हैं, और सक्सेसफुल है जो कि हाइड एप्स का आपको इस पर टैप कर लेना है। आप इस पर टैप करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, जो कि गाइस आपने पहले सेट करके रखा होगा, मतलब कि गाइस ये है कि हमने एक बार ऐप लॉक यूज़ किया था तो यहाँ पे पासवर्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। आपको सिंपल तरीके से अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है आपका तो डालने को बोलेगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको डू नॉट स्टोर, क्योंकि मैं पुरानी वाली सेटिंग नहीं दोहराना चाहता। आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से गाइस सिंपल तरीके से आपको वो जो भी एप्लीकेशन हाइड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे को बाइटी मतलब यूट्यूब हाइड करना है, और ये बोल रहा है सेट एक्सेस कोड, तो गाइस आपको सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे गाइस आपको एक एक्सेस कोड डाल देना है, जिससे क्या है कि गाइस आप इसको यूज़ कर सकें, मतलब कि ये जो आप ऐप हाइड करेंगे इनको यूज़ कैसे करेंगे। तो गाइस आपको डायलिंग में जाना है, एक्सेस कोड डालना है, जैसे कि मैंने डाला है अभी हैज 1234, आप कुछ भी लगा सकते हैं, और हैज़ मैंडेटरी हैज़ तो लगेगा ही लगेगा, बीच के जो फोर डिजिट हैं वो अपने हिसाब से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। डन पे हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आप सिंपल तरीके से यहाँ से कुछ भी हाइड कर सकते हैं। मैंने एक यूट्यूब हाइड कर दिया, और मैं यहाँ से एक अमेजोन शॉपिंग हाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक मैं इसी तरीके से क्रोम हाइड कर देता हूँ और एक फेसबुक हाइड कर देता हूँ, ओके गाइस। तो यहाँ से मैंने कुछ एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिए जो कि हाइड हो चुके हैं। इनको आप सिंपल तरीके से कैसे यूज़ करेंगे चलिए इस बारे में बता देते हैं आपको। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एक हमने यूट्यूब हाइड किया था, आप देखेंगे यहाँ से आपका यूट्यूब गायब हो चुका है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे आप, इसके लिए आपको सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना, आपको डायलिंग में जाना है। डायलिंग में आप जाएंगे तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपका डायलर है, इस पर क्लिक करेंगे, हैज डालेंगे, आपका जो डायलर था गाइस आपका मतलब जो एक्सेस कोड आपने सेट किया था वहाँ पे नंबर में हमने डाला था आपने देखा होगा, वो आपको डाल देना है, और आपके सामने आपके हिडन ऐप्स ओपन होकर जाते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो गाइस मैप लॉक हाइड ऐप प्राइवेट सेफ की प्राइवेट सेफ की डिस्प्ले, तो हम गाइस ऐप लॉक करने वाले हैं, तो ऐप लॉक पर आपको करना है क्लिक। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है आपको सेट ए प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट, तो आपको सबसे पहले एक प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेटिंग का एक बटन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको या तो मतलब कि कोई फोर मतलब 60 डिजिट का पासवर्ड डाल देना है, या फिर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप पैटर्न लॉक लाना चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूज डिफरेंट टाइप पासवर्ड का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पैटर्न पासवर्ड कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ से हम पैटर्न चूज कर लेते हैं और यहाँ पे अपना पैटर्न ड्रॉ करते हैं फटाक से, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये करने के बाद गाइस यहाँ से आपको पूछा जाता है रिकवरी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अगर आपको पासवर्ड भूलते हैं तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देके आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ, जो कि मेरे फेवरेट सर थे, अमित सर थे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो रीस्टोर ऐप सेटिंग्स, तो गाइस इसको हम डू नॉट स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके सामने से ओपन होकर आता है। अब गाइस यहाँ से आपको क्या लॉक करना है, कैसे लॉक करना है आप सोच सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक अमेजन शॉपिंग को लॉक कर लेता हूँ और फेसबुक को लॉक कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सिंपल तरीके से यहाँ से इनको ऐप लॉक को सेट कर देते हैं, फोटोज को लॉक कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये गाइस इस तरीके से अपने फ़ोन के अंदर आप ऐप लॉक कर सकते हैं। अब गाइस एक बार आगे जाके आप चेक करेंगे तो आपका ये ऐप लॉक हो चुका है। एक फेसबुक है, चलिए गाइस मैं आपको चेक करा देता हूँ फेसबुक पर क्लिक करके। तो गाइस यहाँ देखो इसने ऐप लॉक मांग लिया है, ठीक है। आपको सिंपल तरीके से यहाँ अपना पासवर्ड डालना है और ये ओपन हो जाता है, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर ऐप लॉक की सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वापस से अगर आप इनको अनब्लॉक करना चाहें, आप इसके अंदर फिर फिंगरप्रिंट अपना यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। प्राइवेसी में आपको जाना है, ऐप लॉक पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ से आप गाइस सिंपल से इनको ऐसे करके अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी इसकी। इसके लिए गाइस यहाँ पे आप देखेंगे यूज फेस, फेस के साथ अनलॉक करना है इसको इनेबल कर दो, फिंगरप्रिंट के साथ अनलॉक करना है तो इसको इनेबल कर दो। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।